अब मैं आपको एक और क्रांति का ही एक और मॉडल आपको बताने वाला हूँ, जिसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। उसका नाम है क्रांति गजराज ई गार्बेज। ये असल में गार्बेज के लिए यूज़ होता है, जो गीला कूड़ा और कचरा, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो होता है सिटीज़ में जो होता है, मेनली ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में यूज़ किया जाता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा जो कचरा होता है वो वहाँ से नहीं आ पाता है, उस वजह से ये गलियों में, छोटी छोटी गलियों में, शहरों में जाता है और जाने के बाद वहाँ से ला के, और ये शहर को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ी भूमिका आज जो निभा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे ना कोई शहर में पॉल्यूशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ज़्यादातर नगर पालिकाएँ वो इसका यूज़ कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को ऑर्डर दे रही हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन जो भी हैं आज मैं बताऊँगा। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। टायर लगाए हुए हैं हमने 375/12 की, 375/12 क्रांति के ही, और जो खुद से बनवाती हैं कंपनी। इसमें LED लाइट लगी हुई है क्रांति गजराज की। आपको बैजिंग मिल जाएगी, ब्रांडिंग मिल जाएगी, आपको शीशा जो धूल से और आपको बरसात से बचाए रखेगा। ये हेलोजन लाइट लगी हुई है और टर्न इंडिकेटर जो कि लेफ्ट और राइट, तो ये हेलोजन लाइट बोलते हैं जिसको। और 304 ग्रेड की SS की उसमें बैजिंग लगी हुई, जाली लगी हुई है इंडिकेटर को, जो बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती है। आपका मीटर मिल जाएगा आपको फिर से, वही एनालॉग मीटर आपको। इसमें यहाँ पर स्पीड बताएगा और ये आपको बैटरी की परसेंटेज बताएगा। ये आप चेचेस देखिए, ये 12 गेज का चेचेस है और ये 50-70 इसका साइज़ है, 50-70 इसका साइज़ है, 50 ये और 70 ये, जो बहुत ज़्यादा हैवी है। आपको हैंड ब्रेक भी यहीं किया गया है ऐसे कार है, तो इसको बहुत अच्छे से आप होल्ड करके आराम से जहाँ पे भी उसको रुकना होगा आराम से रोकेगा और इसको यूँ कर देगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा। खींचेगा और बस उतरेगा और आवाज़ लगा देगा और उसके बाद करेगा इसको और ये ऐसे कर देगा। उसके बाद चलते हैं, आपको कुछ ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं फ्रंट लाइट के, हेडलाइट के लिए, और बीम दे रखा है। ये हॉर्न है और ये आपका रिटर्न एंड फॉरवर्ड ये दे रखा है आपको। सिवाई की चाबी मिल जाती है, इस तरीके की ये चाबी होती है, थोड़ी सी डिज़ाइनेबल है, लोगों को ज़्यादा पसंद आती है इस तरीके की चाबियाँ आजकल के माहौल में। अब आपको ले चलता हूँ इसके चेचेस पे। तो ये चेचेस इस हिसाब से बनाया है कि बहुत ज़्यादा वेट, क्योंकि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 1200 लीटर की है, लीटर की 1200 लीटर की है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी चेचेस बनाया है। और चेचेस बनाया तो एक पाइप जो ये 50-70 का वो यहाँ से लगाया 50-40 का, और इसके बाद ये यहाँ पे जो आपने देखा होगा सी टाइप एंगल होते हैं, एंगल लगाया हुआ है। एंगल इसलिए लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत रहे और वेट ढोने में कोई इशू ना आए, इस करके ये लगाया है। शॉकर फिर से वही SPL के हैं और SPL के टॉर्क्स करके ये SPL का शॉकर है, बहुत अच्छा है। फिर से वही 43 mm और 31 इंच लंबा शॉकर है ये, इसी की सेम वही है। आपका ये टी हैंडल है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेटर क्वालिटी की है, और आपका मड गार्ड भी सेम उसी कंपनी का है। अब आ जाते हैं पीछे, तो इसमें ये दे रखा है शॉकर, ये जो हाइड्रोलिक शॉकर बोलते हैं इसको, इसकी जो क्षमता है वो एक टन वेट को वो अप करने की क्षमता है इसकी, और बहुत अच्छे से इसको होल्ड करता है। अब आ जाते हैं बॉक्स में, तो बॉक्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। कंट्रोलर लगा हुआ है SKS का, ये आपको 48 वोल्ट और 50 एम्पेयर का। ये टूल किट है आपका, इसमें आपको मिल जाएगा जैक, कहीं भी इशू होता है या पंचर होता है तो आराम से उठा लें। ये इसको उठाने का है, जैक को उठाने का। 20 एम्पेयर का चार्ज DC कन्वर्टर लगा हुआ है। फिर से वही आपको बहुत अच्छी वायरिंग देखने को मिल जाएगी 12 mm की, और 63 एम्पेयर का 63 आपको बाकायदा दिख रहा होगा, 63 एम्पेयर की आपको CY की MCV मिल जाएगी, जिससे अप और डाउन, मतलब इससे एकदम से ऑन और ऑफ कर सकते हैं रिक्शे के लिए, कोई चोर चपार इसको जल्दी ना ले जाए। अब मैं बात करूँगा, ये वाटर बॉटल स्टैंड लगा हुआ है, वहाँ पे फायर सिलेंडर लगा हुआ है जो कि मस्ट है बहुत ज़्यादा फायर सिलेंडर। अब इसको मैं दिखाऊँगा कि आपको अप और डाउन करने के लिए कैसे करते हैं। इसको हम अगर ऐसे चलाते हैं तो ये अप होता जाता है, ऐसे अप होगा ये, और जब हम इसको नीचे करेंगे तो इसको बस ये एक यहाँ पे ये दे रखा हुआ है, इसको हम बस खोल देंगे तो इसकी जो
हाइड्रोलिक प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसमें जो अंदर अंदर दो तरीके दो सेक्शन बने हुए हैं इसमें, ये जो आपको पीछे दिख रहा है बॉक्स, इसमें दो सेक्शन बने हुए हैं, एक गीले कचड़े का और एक सूखे कचड़े का। जो सूखा कचड़ा है वो आप इस साइड डालेंगे यहाँ से, इसको ओपन करने के बाद इसको यहाँ से ओपन करेंगे और इसमें डाल देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन सूखे कचड़े का है। उसके बाद आप जब जिसको गीला कचड़ा डालना होगा, इसको गीला कचड़ा डालना होगा वो इस साइड आएगा और इसको अप करेगा और यहाँ से डाल देगा। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 1200 लीटर की है, 1200 लीटर तक पानी आ सकता है, तो उस हिसाब से कचड़ा आ जाएगा। जब ये अप होगा तो ये यहाँ से कर दिया जाएगा, यहाँ से ये इसके लॉक्स हैं, ये लॉक कर दिया जाएंगे तो ये ओपन हो जाता है ऐसे, और ये यहाँ पे ये इसके अंदर का सेक्शन बना हुआ है, ये सेक्शन बना हुआ है इसमें, ये वाला गीला कचड़ा और ये सूखा कचड़ा जिसमें आने वाला है। हेलोजन लाइट्स दे रखी हैं, इंडिकेटर दे रखे हैं, टर्न इंडिकेटर और ब्रेक वगैरह के लिए। यहाँ पे ये बैटरी बॉक्स दे रखा है जो वहाँ पे आगे लगेंगी बैटरियाँ। कमानी के साथ साथ सॉकर कॉम्बिनेशन दे रखा है जिससे जंपिंग अच्छी हो और बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो ड्राइवर्स को, ये दे रखा है। यहाँ पे स्टेपनी लगेगी, ये स्टेपनी के लिए दिया हुआ है, ये यहाँ पे स्टेपनी लग जाएगी वो उसके लिए किसी इमरजेंसी में जैसे कोई टायर पंचर वगैरह हो जाता है तो उसमें उसके लिए काम देगी। ड्राइवर के लिए छत दे रखी है जिससे उसके लिए धूल और छांव वगैरह और धूप वगैरह से बची रहे, तो उससे आराम से उसको कंफर्टेबल हो, वो कंफर्टेबल बैठ के हो FM भी करती है वो, आराम से गाने सुने और आराम से अच्छे से अपने काम को इन्जॉयमेंट के साथ करेगी। FM होगी, गाने चलेंगे तो वो बहुत अच्छे से अपने काम को इन्जॉयमेंट करते हुए करेगा, तो मच बेटर है कि वो बहुत अच्छे से अपना काम करेगा। तो ठीक है, थैंक यू देवी और सज्जनों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना जरूर करना, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको पता चले और उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट करके वो सब चीज़ मुझे दसना, आपको कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि छूटी हुई है तो आप मुझे वो कमेंट में बताइए, कमेंट में बताने के बाद मैं उस पर आपको रिप्लाई करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल नंबर, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको किसी भी तरीके की जानकारी लेनी हो या आपको डीलरशिप के लिए किसी को अप्रोच करना है या खुद को अप्रोच करना है तो आप उसके लिए हमें कॉल, मेल, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू अगेन।